नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। कटनी जिले के स्नमनाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 123 किलो गांजे की खेप पकड़ी है। यह मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। वहीं मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपितों से पूछताछ में बड़े नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। SP सुनील जैन ने बताया कि मादक पदार्थों के खिलाफ जिले में लगातार अभियान चलाकर कार्रवाई की जा रही है। जानकारी के अनुसार स्नमनाबाद पुलिस देहात भ्रमण के दौरान सैलारपुर के आगे वाहनों की जांच कर रही थी। उसी समय एक सफेद रंग की कार क्रमांक MP18CA3612 ग्राम नवलिया पिपरिया की तरफ से आ रही थी। इसे पुलिस द्वारा रोकने का इशारा करने के बाद तेज रफ्तार से कार चालक भाग रहा था। वाहन सिग्नल लगने पर पुलिस ने 2 किलोमीटर तक वाहन का पीछा किया। सैलारपुर गांव की तरफ भागते समय कार सड़क के कीचड़ में फंस गई और पुलिस ने कार चालक को पकड़ लिया। इनमें एक आरोपी पुलिस से बचने के लिए कार से उतरकर जंगल की तरफ भाग गया। कार में बचे व्यक्ति से नाम पता पूछने पर उसने पुलिस को बताया कि उसका नाम राजा यादव, पिता बाबूलाल यादव, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अर्जुनी, थाना पाली, जिला उमरिया का होना बताया है। वाहन की तलाशी लेने पर वाहन के अंदर डिक्की में 3 बोरी तथा बीच वाली सीट में 4 बोरियों में अवैध मादक पदार्थ गांजा रखा मिला। आरोपित राजा यादव कब्जे से 1 क्विंटल 23 किलो 300 ग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा पुलिस ने कार से बरामद किया। आरोपित के खिलाफ मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया गया है। मौके से फरार आरोपित के संबंध में एक जब्त मादक पदार्थ से जुड़े तस्करों के संबंध में आरोपित से पूछताछ की जा रही है। जल्द ही बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जा सकता है। थाना सलीमाबाद के अंतर्गत कटनी पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता हासिल हुई है। 123 किलो गांजा पकड़ने में हमको सफलता मिली है। ब्रेजा गाड़ी में ये गांजा उड़ीसा से लोड करके लाया जा रहा था और संभवतः पन्ना छतरपुर ये माल सप्लाई के लिए ले जाया जा रहा था। इसको पकड़ने में सलीमाबाद कटनी पुलिस, साइबर सेल, टेक्निकल टीम, नारकोटिक्स विंग, जबलपुर IG सर की उन सबने काफ़ी इसमें सहयोग किया हम लोगों को। उसके बाद ये हमें इतनी बड़ी सफलता हासिल हुई। सर, इसकी कीमत क्या रही और क्या? लगभग ये 25 लाख रुपए का गांजा है और गाड़ी है, कुल मिला के हमारा मेरे अनुमान से लगभग 35 लाख का